घने भीड़ों के बीच 60 फीट ऊंचे रेत के टीले पर बना है एक मंदिर, जिसमें रहता है एक सन्यासी। इस गांव के ये अकेले निवासी है। इस मंदिर के चारों तरफ है घना जंगल, जिसमें सांप और मॉनिटर लिजर्ड्स जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं। यहाँ आसपास ना कोई दुकान है ना कोई मकान। रात के समय चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा होता है। ये बियाबान है थार का और ये मंदिर है एक तपस्वी का, जिनके कपड़े बिना रस्सी के ही आसमान में सूखा करते थे, जो हवा से बातें करते थे, जिन्हें मिली थी कई सिद्धियां। इनकी कहानियां आपको हैरान कर देगी और ये जगह आपको खींच लाएगी थार के रेतीले जंगल के बीच। कहते हैं कि इस महान तपस्वी की चाल हवा से भी तेज थी। इनका चमत्कार ही तो है कि जंगल के बीचों बीच होने के बावजूद मंदिर में कभी कोई जानवर नहीं आता। इनके मंदिर को बाढ़ का पानी डुबा नहीं सकता। यहाँ होने वाली हर एक चीज पर आज भी इस संत की नजर रहती है। आखिर कौन थे इस संत, क्या थी इनकी कहानी, इस वीरान जंगल में कैसे लोगों ने खोजा इस मंदिर को, इन सारे सवालों का जवाब छिपा है कुछ दिलचस्प कहानियों में, जो रेगिस्तान के रेतीले धूरों के बीच दफन है। इन्हीं कहानियों को सुनने के लिए चलिए मेरे साथ थार के उस बियाबान में। थार के प्रवेश द्वार चूरू की रेतीली धरती को चीरते हुए आगे निकलो तो शहर आता है तारानगर। इसी शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर है रेगिस्तान का बियाबान, जहां सिर्फ एक मंदिर है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। कभी इस बियाबान की तपती रेत पर तपस्या करते थे बाबा श्याम पांड्या जी महाराज, एक ऐसे संत जिनकी महानता से खुद भगवान श्री कृष्ण भी वाकिफ थे। इस वक्त हम उसी जंगल में हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि सदियों पहले बाबा श्याम पांड्या जी यहीं पर अपनी गायें चराया करते थे। ये घना जंगल है, यहां पर बने पानी के कुंड और मेरे सामने श्याम पांड्या जी का मंदिर उनके चमत्कारों की कहानी कहते हैं। ये बात सदियों पुरानी है। महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडवों का शासन कायम हुआ। उस दौरान युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। कहते हैं कि यज्ञ को सफल बनाने के लिए कुछ ब्राह्मणों की जरूरत थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को राजस्थान से श्याम पांड्या जी महाराज को लेकर आने के लिए कहा। जब भीम यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि कैसे आसमान में बिना किसी रस्सी के सहारे बाबा श्याम पांड्या जी की धोतियां सूख रही थी। महाबली भीम ये नजारा देखकर दंग रह गए और वो समझ गए कि उनका सामना किसी साधारण तपस्वी से नहीं हुआ है। कहते हैं कि जब भीम टीले के ऊपर बनी कुटिया में पहुंचे तो उनकी मुलाकात होती है श्याम पांड्या जी महाराज की माँ से। उनकी माँ ने भीम को देखते ही पूछा, कैसे हो बेटा भीम, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरा बेटा भी भेड़ बकरियां चराने गया है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। भीम ये सोचकर हैरान थे कि अभी तो उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया, फिर भी श्याम पांड्या जी महाराज की माँ ने उन्हें पहचाना कैसे? भीम कुछ देर के लिए वहां बैठ गए। श्याम पांड्या जी महाराज कुछ समय बाद गायों को चराकर अपने कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने भीम से मुलाकात की और कहा कि अभी वो नहाएंगे और पूजा करेंगे, उन्हें वक्त लगेगा। नहाने के लिए उन्होंने अपनी धोती सीधे आसमान से उतारी और नहाकर जिस धोती को उन्होंने धोया था उसे आसमान में ही टांग दिया। ये देखकर भीम के अचरज की कोई सीमा नहीं थी। भीम समझ चुके थे कि श्याम पांड्या जी कोई मामूली तपस्वी नहीं है, लेकिन अभी एक और चमत्कार देखना बाकी था। यहाँ भेजे था कृष्ण जी भगवान ने इसको, भीम को जित पता चले था कि इसकी धोती, भीम देखा कि यो स्नान करके नहाया, जब धोती आसमान में सूखती थी, वह नीचे तार भी दूसरी सूखी और जो गिल्ली थी वह आसमान में सूखती थी। बेटा जी भीम को पता चलिया कि ये तो विद्वान है। भीम काफी समय तक श्याम पांड्या जी का इंतजार करते रहे। उन्हें बेचैन होता देख श्याम पांड्या जी ने कहा कि भीम आप कुरुक्षेत्र पहुंचिए, मैं आ जाऊंगा। भीम ने उनसे अपने साथ ही चलने का आग्रह किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि श्याम पांड्या जी के पास ना तो कोई रथ है और ना ही कोई घोड़ा। लेकिन श्याम पांड्या जी ने भी भीम को यह वचन दे दिया कि वो भीम से पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। भीम के मन में संशय तो था, लेकिन फिर भी
वो कुरुक्षेत्र रवाना हो गए। कहते हैं कि ये वो समय था जब इस रेगिस्तान में पग पग पर रेत के टीले थे। इन्हीं रेतीले टीलों को पार करके भीम को कुरुक्षेत्र तक का रास्ता तय करना था। ये मिट्टी भीम की जूती में भर गई। कहते हैं कि भीम की जूती में इतनी मिट्टी भर गई थी कि इसे छिड़काने पर रेत का एक विशाल टीला बन गया। जिस जगह पर भीम ने जूती छिड़काई वहां आज भी मिट्टी का एक विशाल टीला बना है जिसे भीम टिब्बा कहते हैं। कुरुक्षेत्र जाते समय भीम को प्यास लगी, इसीलिए रास्ते में एक जगह पर रुककर उन्होंने जमीन पर जबरदस्त घुटने से प्रहार किया जिससे एक विशाल बावड़ी बन गई। पानी पीकर भीम ने प्यास बुझाई और फिर वो कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले। भीम को यह चिंता थी कि श्याम पांड्या जी महाराज के पास जंगल में कुछ भेड़ बकरियां और गायें ही तो थी, ना घोड़े थे ना रथ, कहीं वो समय पर नहीं पहुंच पाए तो यज्ञ कैसे होगा। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि श्याम पांड्या जी महाराज वहां पहले से ही मौजूद थे। भीम ये सोचकर हैरान थे कि बिना किसी रथ के श्याम पांड्या जी इतना जल्दी कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचे। उन्हें ये समझ आ गया था कि श्री कृष्ण किसी को यूं ही नहीं बुलाते, इस महान यज्ञ को पूरा करने के लिए इस महान तपस्वी की खास जरूरत थी। कुरुक्षेत्र गए जब ये पांडवों का यज्ञ सफल करवाया दादा श्याम पांड्या ने, जी कृष्ण जी बोले महाराज दर्शन आ दो, यो बोले मैंने दर्शना की जरूरत नहीं है, बोले दर्शना नहीं देगा तो पांडवों का यज्ञ सफल ना मानना, बोले दे दो यो बिया बन जंगल बढ़िया है तो मेरी उड़े गाया में गाया बेटा बकरियाँ दर्दी रहूगी जी जिसको दान में मिलिया था। श्याम पांड्या की 1200 बीघा भूमि या श्याम पांड्या की है, बहादुर की माँ उसको मेला लगता बेटा, समाधि हरियाणा में जिन जिला गांव श्याम दो में, हर द्वितीयवार को वहाँ पर भोग लगते हैं पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि दान में जो भूमि मिली उस पर आज ये गांव बसा है जहां पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। यहां पर रहने वाले महंत ज्ञान दास इकलौते नागरिक हैं। इतिहास में श्याम पांड्या जी और भीम की रेगिस्तान यात्रा को लेकर जो कहानियां सुनाई जाती है उसके प्रमाण भी मिलते हैं। इस मंदिर से करीब 30 किलोमीटर दूर बाय नामक गांव में वो बावड़ी मौजूद है जिसे भीम ने कुरुक्षेत्र जाते वक्त बनाया था। इस बावड़ी का पानी अकाल पड़ने पर भी सूखता नहीं है। आज भी यहां पर विशाल मंदिर बना है। कुछ दूर पर ही भीम टिब्बा भी है जहां भीम ने जूती छिड़काई थी। बारिश ना होने पर आज भी यहां पर यज्ञ किया जाता है। श्याम पांड्या जी महाराज ने इस पावन धरती पर तपस्या की और समाधि ली हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में। दोस्तों इस गांव के लोग सदियों से श्याम पांड्या जी के तपोस्थल यानी कि श्याम पांड्या मंदिर को खोजते रहे, लेकिन साल 2020 में जाकर इन्हें इस मंदिर के बारे में पता चला जिसके बाद हरियाणा से लोग यहां आने लगे। आज भी यहां पर हर साल अमावस्या पर मेला भरता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को लेकर अनेक कहानियां कही जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ के पानी में नहाने से रोग दूर होते हैं। यहाँ पर चोरी करने वालों को खुद श्याम पांड्या जी दंड देते हैं। यहाँ होने वाली हर एक हलचल की खबर उन्हें रहती है। अन्न पशुओं के लिए दाने पानी और बिजली की व्यवस्था भगवान खुद करते हैं। नेटवर्क ग्राम पंचायत माता है और यहाँ की आबादी एक ही पुरुष है। एक ही पुरुष है मतलब यहाँ पर आबादी एक ही पुरुष है। आपका अकेले का वोट लगता है क्या यहाँ से? हाँ जी। अकेले ही नागरिक है आप यहाँ के? अकेले यो दादा श्याम पांड्या रहा यहाँ, अकेला तो कोनी दादा श्याम पांड्या है साथ में। तो आपको कभी ऐसे रात को डर नहीं लगता कोई जानवर वगैरह? ये साथ रहे जी डर क्या होगा था, ये साथ में होते दादा तो डर क्या है कोनी बेटा, पूरी रक्षा करते हैं। यहाँ के जोहड़ में पानी कभी खाली नहीं होता। दशकों पहले आसपास के गांवों के लोगों ने मिलकर इस ऊंचे टीले पर श्याम पांड्या जी की मूर्ति को स्थापित किया था जहां आज ये मंदिर बना है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको रेगिस्तान की रेत का सामना करना होगा, लेकिन यहां पर पहुंचकर आपको मिलेंगे खूबसूरत नजारे, सुकून देने वाली ठंडी हवा, अपार शांति और कुदरत की खूबसूरती। ये जगह अपने आप में एक अनमोल धरोहर है। ये बियाबान जरूरी है यहाँ के जानवरों के लिए। इंसान यहाँ पर रहते नहीं है और इस जगह को इंसानों की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो इस जगह को लेकर अलग अलग कहानियां बताई जाती है, लेकिन हमने आपको वो कहानी बताई है जो महंत ज्ञानदास ने हमें बताई।
इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें 3 बार यहाँ आना पड़ा है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो इस बीहड़ में गाय चराने वाले एक व्यक्ति ने हमें दाढ़ी वाले सांप की कहानी सुनाई थी। सांप की कहानी थी ये कि यहाँ पर सांप इतना मोटा है जी, बहुत पुराना सर्प है, बिंगे इतने इतने बाल हुए है, दाढ़ी जैसे मर्द के दाढ़ी बनी ऐसे दाढ़ी आए, इसी जाल में रहे, इसी जाल में काफी बिरिया 5-4 बिरिया सांप ने देखे हुए और काला सर्प बहुत है यहाँ पर। कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन कहानी है बड़ी मजेदार। अगर आप भी ये कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट कहां की देखना चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।